हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज मैं मानव रोग यानी ह्यूमन डिजीज के बारे में बताऊंगी। क्यों क्यों होता है, किसके द्वारा फैलता है और इसका सबसे पहले उपचार किसने किया, इसके बारे में जानेंगे। आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोगों को ट्रिक के माध्यम से ऐसे बताएंगे, ऐसे पढ़ेंगे दोस्तों कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पे सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी वीडियोज को वॉच करके आप अपने प्रिपरेशन को बेहतरीन कर सकते हैं। और 100 से ज्यादा वीडियो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन पर बनाए गए हैं और प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, उन सबको देखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि मानव रोग होते क्या है यानी ह्यूमन डिजीज। जैसा कि दोस्तों, रोग का अर्थ ही होता है व्याधा। इसका अर्थ होता है व्याधा, रुकावट, अच्छे स्वास्थ्य में रुकावट। जैसे कि दोस्तों, रोग कारक को जो जीवाणु, विषाणु, कवक किसी भी रूप में हो सकते हैं, इसको पैथोजन कहा जाता है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आप ध्यान में रखिएगा कि रोग कारक को क्या बोला जाता है, पैथोजन। रोग को फैलाने वाले होते कौन है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, यही चार होते हैं जो हमारे रोगों को पहुंच शरीर में रोगों को फैलाते हैं। तो रोग कारक जो होते हैं, तो रोग कारकों को हम पैथोजन कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों। जैसा कि हिप्पोक्रेटस का नाम आपने सुना होगा, हिप्पोक्रेटस जो औषधि विज्ञान के जनक कहे जाते हैं दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, उन्हीं के चलते आज हमारा चिकित्सा विज्ञान शून्य से लेकर यहां तक पहुंचा है। और ये कहां के थे, ग्रीस यानी यूनान के थे। हिप्पोक्रेटस जो औषधि यानी चिकित्सा विज्ञान के जनक कहे जाते हैं, ये पहले व्यक्ति थे दोस्तों जिसने खाद्य पदार्थों यानी कि भोज्य पदार्थों को आधार पर यह वर्गीकृत किया कि कौन सा भोजन जंतु के लिए खाने योग्य है यानी खाद्य है और कौन सा अखाद्य है। तो कौन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो भोज्य पदार्थों को वर्गीकरण किया यानी बांटा कि कौन सा खाने योग्य है जंतुओं के लिए और कौन नहीं खाने योग्य है, इस बात को सबसे पहले बताया और बांटा हिप्पोक्रेटस ने, जिन्हें औषधि यानी चिकित्सा विज्ञान का पितामह कहा जाता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों, पहली बार उपचार के लिए दवा का प्रयोग किसने किया, तो दोस्तों किसी रोग की दवा के प्रयोग सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने किया, आप इसको विशेष रूप में ध्यान में रखिएगा दोस्तों। अब हम जानेंगे कि जीवाणु रोग को फैलाने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, किसके किसके द्वारा हमारे शरीर में रोग फैलता है। तो दोस्तों, ये चार चीजें होती है, जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। जो जीवाणु होता है यानी जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, जो जीवाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है, वह जनन के लिए जीव की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि दोस्तों, कहीं भी गंदगी में आप देखेंगे तुरंत कीड़े हो जाते हैं, ठीक है, कहीं भी गंदगी है तो उसमें कीड़े हो जाते हैं, वही बैक्टीरिया होता है। इसकी जनन के लिए जीव की जरूरत नहीं होती है, इन सब का स्वतः जनन होता है। ये सजीव होते हैं, ये तो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा बड़े प्रकाश में देखे जा सकते हैं, यानी कि ये बड़े नहीं होते हैं दोस्तों, ये सूक्ष्म होते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, कुछ कुछ को आंखों में देख भी सकते हैं। तो ये बड़े प्रकाश जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, तो बड़े प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा इसे हम देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि सूक्ष्मदर्शी की खोज एंटोन वॉन लीवेनहॉग ने किया था दोस्तों सबसे पहले, और इसी के द्वारा बैक्टीरिया, विषाणु, जीवाणु सबको देखा दोस्तों। जैसा कि बैक्टीरिया जो होता है एक कोशिकीय होता है, यह एक वृत्ताकार गुणसूत्र होता है। जैसे कि हमारा बैक्टीरिया से कौन कौन सा रोग फैलता है दोस्तों, बैक्टीरिया से जैसे कि सिफिलिस, निमोनिया, टीबी, काली खांसी, टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, ये सब रोग फैलते हैं। अब हम जानेंगे दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस क्या होता है। वायरस यानी विषाणु जो होता है, सजीव और निर्जीव दोनों होता है। कैसे होता है समझेंगे, ये छोटे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये अकोशिकीय होते हैं दोस्तों, किसी भी आकार में बदल सकते हैं विषाणु यानी कि वायरस। ये आरएनए या डीएनए, ठीक है, डीएनए आरएनए इसमें उपस्थित होता है, जैसे कि इसके कारण एड्स होता है, ठीक है।
विषाणु के कारण कौन कौन से वायरस के कारण रोग होते हैं, तो इसके बारे में डिटेल में बताऊंगी, जैसे एड्स हो गया, चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, ठीक है, खसरा हो गया, ठीक है, छोटी माता हो गया, डेंगू हो गया, ये सब किससे फैलते हैं? विषाणु से। जैसे कि जो विषाणु यानी वायरस जो है, इसका जीवन कोशिका के जीवन के शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे कि दोस्तों जो विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, और सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी यानी इकाई माना जाता है। कैसे दोस्तों? क्योंकि यदि विषाणु यानी कि जो वायरस है, यदि जीवित शरीर में होता है तो वह जीवित हो जाता है, उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है। जैसे कि कोरोना वायरस का आप देख ही रहे हैं। और जब वह वायरस जो है शरीर के बाहर होता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, लगता है कि है ही नहीं, उसमें प्राण ही नहीं है, वो जीव है ही नहीं, मरा हुआ है। लेकिन जो ही जीवित शरीर में जाता है वह जीवित की तरह कार्य करने लगता है, जीवित हो जाता है। यानी कि शरीर से बाहर है तो निर्जीव है, और शरीर में आ गया तो जीवित हो जाता है, उसकी शक्ति हजारों गुना बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे कि इसका प्रभाव विषाणु का बहुत ही ज्यादा होता है दोस्तों, एक दूसरे से फैलने में हवा द्वारा, पानी द्वारा, टचिंग द्वारा, किसी भी प्रकार से बहुत तेजी से फैलता है। जैसे कि आप कोरोना वायरस को देख ही रहे हैं। एंड दोस्तों जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या होता है? दोस्तों जो प्रोटोजोआ होता है, जैसे कि मच्छर, रोग, मलेरिया, ये क्या है? मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। दोस्तों प्रोटोजोआ क्या होता है, जिसे परजीवी बोला जाता है, इस संघ के अधिकतर जंतु जल, गीली मिट्टी, सड़ी गली, सर्वाधिक कार्बनिक वस्तु आदि में स्वतंत्र रूप से या फ्री रहने वाले पाए जाते हैं। जैसा कि दोस्तों अगर आपके घर में अगल बगल नाला होता है तो उसे मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं, यह मलेरिया के परजीवी के वाहक होते हैं। इसकी कुछ जातियां परजीवी के रूप में भी रहती हैं। दोस्तों ये सरलतम रचना वाले एक कोशिकीय और सूक्ष्म जीव होते हैं। शरीर की आकृति इसकी विविध प्रकार की होती है, जो स्थायी अथवा अस्थायी हो सकती है, अर्थात जीव में वातावरणीय दशाओं, गमन आदि के अनुसार ये परिवर्तन होता रहता है। अब हम जानेंगे दोस्तों कवक क्या होता है, जिसे फंगल बोला जाता है, ठीक है, जिसे फंगल बोला जाता है। जैसे कि दोस्तों कवक जो होता है एक प्रकार का जीव होता है, क्या होता है? एक प्रकार का जीव होता है जो अपना भोजन सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ये संसार के प्रारंभ से ही जगत में उपस्थित हैं। इनका सबसे बड़ा लाभ इनका संसार में अपमार्जक के रूप में कार्य करना है, क्योंकि दोस्तों कोई भी संसार में पर्यावरणीय कचरा होता है उसको ये कवक जो है वो हटा देते हैं। इनके द्वारा जगत में से कचरा हटा दिया जाता है। जीव का एक विशाल समुदाय जिसे वनस्पतियों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे कि दोस्तों कवक अध्ययन के विज्ञान को कवक विज्ञान यानी कि माइकोलॉजी बोला जाता है। कि दोस्तों आप बासी रोटी देखते होंगे, उसमें रुई की भांति उग जाता है। बासी रोटी में अगर एक दिन से ज्यादा का हो गया तो क्या है, रुई की भांति उस पर उग जाता है और खाना वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसमें कवक यानी कि फंगल हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप जान गए होंगे दोस्तों कि रोग किसके किसके द्वारा फैलता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, इसके द्वारा रोग फैलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको जानना आवश्यक है। इसके बाद ही आप रोगों के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संक्रामक रोग क्या है और किसके किसके द्वारा फैलते हैं। जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ द्वारा, और जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट अब तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।